प्रिया, ये खाना तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ बिल्कुल। यानी उस वक्त कुत्ता गधा कह के जो गालियां दी थी वो सब झूठ मूठ था? भाई भाई भाई, प्रिया मेरे लिए खाना लेके आई है। तुम्हारे लिए नहीं। फिर किसके लिए लाई हो? तुम्हारी फ्रेंड के लिए। इन्होंने खाना खा लिया, तुम जाओ। क्या तुमने खाना खा लिया? अभी अभी वो लड़की खिला के गई। लड़की? इस अपार्टमेंट में मुझसे बिना बोले तुम्हें कौन खिला सकती है? कौन है वो बेशरम जिसने तुम्हें खिलाने की जुर्रत की? उसे अपनी जान प्यारी नहीं? किसने किसने खाना खिलाया? मैंने खिलाया प्रिया। तुमने? तुम हो इसलिए बच गई। ठीक है, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मैं खाना बना के लाई हूँ। दोने वाले खा लो, मैं चली जाऊंगी। कहा ना मैंने खा लिया। नहीं खाओगे तो मैं रो पड़ूंगी। तो इस ऑटो को खिला दो। थैंक्स भाई, मैं रेडी। कुत्तों को खिलाऊंगी पर इसे नहीं खिलाऊंगी। पूरा मूड खराब कर दिया। ये क्या बेटी, वो एक अजनबी है, उसके साथ इस तरह पेश आना गलत नहीं? माँ, बिना मर्जी से करो तो गलत, मैं तो मर्जी से कर रही हूँ। गणेश, मैं तुम्हारी खबर कर लेती। क्या कहा? तुम नहीं समझोगी, हटो। क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैंने? सब कुछ करने के बाद आप पूछते हो क्या किया? किसके बारे में बोल रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। उल्टा लेट जाओ, आ जाएगी। फिर भी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो ना। उठो, करता हूं। क्या? मुझे किसी से प्यार हो गया है। बेचारा गया काम से। क्या कहा? तुमने उसे बता दिया कि तुम उसे प्यार करती हो? बताने के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। तो फिर छोड़ दो। छोड़ने से अब बहुत दर्द होगा। वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसे बोल देता हूँ, मेरा पीछा तो छूटेगा। आंखें बंद करके बताऊँ? नाम बोलने के लिए आंखें बंद करोगी? थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है बोलो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है, मैं नहीं जानता था। मैंने तुम्हें बहुत सताया प्रिया। प्रिया मेरे पास आ प्रिया। तुम जाबे। अगर मैं पास गई तो भाव खाएगा, मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, खुदा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हेलो। आ गया, आ गया, आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा तुम भी डेली एक्सरसाइज करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें भी शौक है? ए, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो उस दिन दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। कल रात देर से सोई थी, वरना मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। गुड, एक्सरसाइज करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखा लाइन पे आ रहा है, बॉडी एकदम फिट रहती है। अच्छा ये कैसा है? ये देखो यहाँ पे कैसा है ये? रुको भाई, दूर से। ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो सुबह 10 बजे उठती है और टीवी के सामने बैठ के सीरियल्स देखा करती है, मुझे वो सब पसंद नहीं। लड़की ऐसी हो जो सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, भगवान की थोड़ी सी पूजा करे, माता पिता को कॉफी पिलाए और उनसे आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा? हाँ। बेटी प्रिया क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो? रोज 10 बजे तो उठती हो, वो भी तब जब मैं कॉफी लाकर 50 बार उठाती हूँ। हाँ, सूरज पश्चिम से निकला है क्या जो 6 बजे उठ गई? हेलो, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। माँ की तो आदत है, जो करती रहती है। जो करने वाली माँ नहीं तुम हो। हाँ? Come on, darling, Sophia. Hey. अबे कौन है तू? मास। मास। नहीं, मुझे मत मारो।
नहीं 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 मुझे छोड़ दो, नहीं 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 मुझे मत मारो ना, नो 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 मुझे मत मारो ना ना नो वो बाबू 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 क्या हो गया तुम्हें बाबू 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 मास ने सत्या के दो गुंडों को मार दिया। आखिर में सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आया है? कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया। सत्या और शत्रु के नाम से ये लोग ही जुल्म किया करते थे। वो तो है। हे हा, आजा सब आजा। सुनो शाम, दीदी सब नीचे आ जाओ। अरे सुनाओ, सबके लिए खुशखबरी है। सत्या के आदमी काशी और बाबू मारे गए। मास नाम का कोई आदमी है जिसने ये काम किया। दीदी दीदी देखो, दीदी तुम्हारे पति को मारने वाले को मास ने मार दिया। देखो दीदी, अरे देखो तुम लोग भी देखो, देखो भाई भाई भाई, किसी मास ने सत्या के दो आदमियों को खत्म कर दिया। सारा शहर कहता है कि अब सत्या से टक्कर लेने वाला मर्द आ गया है। हटो 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 भाई हटो। वो जो भी है उस्ताद है उस्ताद। तुमने क्या कहा? मार दिया सत्या के आदमियों को? मार दिया सच में मार दिया? ये वही है। इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मास ने मारा। मास? वो भगवान है, भगवान है, भगवान स्वयं मास बन के आया है। मास का भला होगा, भला होगा, जरूर होगा। मैं और भी पूजा करूंगा, दुर्गा मैया की पूजा करूंगा। ए ऑटो, कौन है? दो साल बाद बाहर निकला है। इनकी बेटी की शादी के दूसरे दिन ही दामाद का खून हो गया। वो एक म्युनिसिपल ऑफिसर था। किसी जमीन के कब्जे के लफड़े में सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी ने फांसी लगा ली। उस दिन से सत्या की बर्बादी के लिए प्रार्थना करते हुए कमरे में बंद था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ए, हमारे समस्याओं का हल करना उस्ताद मास जो आया है। और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र मत करना। चलो 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 सब चलो 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 चलो। ऊपर आओ। बैठो बैठो। क्या हो रहा है बेझिझक बताओ। डैड, आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। कोई मास है, उसने मुझे धमकी दी कि पब्लिक के सामने हमें कमजोर साबित करेगा। अब उसने काशी और बाबू को मार के साबित कर दिया कि हम कमजोर हैं। और क्या कहा उसने? पब्लिक के मन में हमारा जो डर है वो मिटाएगा और पहली तारीख को मुझे खत्म करेगा, ऐसी वार्निंग भी दी है। रहता कहाँ है? नहीं जानता। दिखता कैसा है? नहीं जानता। ये सब क्यों कर रहा है? नहीं जानता। तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं है डैड, पहली तारीख को उससे सामना करने का इंतजार है। फिर गलती कर रहे हो। उसने जो कहा था उसमें से दो काम कर दिए, और तीसरी धमकी पब्लिक के मन से हमारा डर मिटा देना। पब्लिक के सामने वो हमें कहां मार सकता है? जहां हम हफ्ता वसूली किया करते हैं वहां। अगर हमारे आदमियों को मार्केट में मारा तो लोगों के मन से हमारा डर मिट जाएगा। यही उसका प्लान है। लेकिन वो नहीं जानता कि हम भी वहां तैयार रहेंगे। बरसों बाद किसी ने हमें दिमाग चलाने पर मजबूर किया है। जाने कहां पैदा हुआ होगा, पर मरेगा यहां। भैया आओ। रेशमा, मंदिर होके आ रही हूं। तुम फीकी पड़ गई हो, हॉस्पिटल नहीं गई? गई थी। रास्ते में सत्या के गुंडे एक बुजुर्ग को मार रहे थे तो मैं वहीं से लौट आई।
लोगों के मन से सत्या के नाम का खौफ मिटाने का दिन आ गया। बोल कौन है मास? बोल नहीं जानता। बोल मास कौन है? बोल नहीं जानता। बोल नहीं जानता। बोल मास कौन है? बोल 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 नहीं जानता। गंगू